मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पुनीत अवसर पर तुलसी मानस प्रतिष्ठान स्थित श्री सिद्ध रघुनाथ मंदिर में साफ सफाई कर पूजा अर्चना की। मानस प्रतिष्ठान के संयोजक रघुनंदन शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मानस प्रतिष्ठान में मीडिया के साथियों से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से भारतवंशी उत्साहित हैं। देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व का वातावरण भी राममय हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत के लिए आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है। भगवान श्री राम अपने गर्भ गृह में प्रवेश कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उनके माध्यम से देश एक नए सांस्कृतिक अनुष्ठान की एक नए पर्व की अंगड़ाइयां ले रहा है। भारत के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मैंने आज प्रातः मानस भवन आकर भगवान राम की सेवा की तथा उनके दर्शन का लाभ प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि आज पूरा देश और दुनिया राममय हो चुकी है। इंग्लैंड की संसद का दृश्य देखते ही बनता है। दुनिया के जिन जिन देशों में भारतवंशी विराजमान हैं उन सभी देशों में वातावरण राममय है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हम सबका सौभाग्य है, कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको आज की ये घड़ी मिल रही है। हमारे हाथ में पैदा होना न तो हाथ में है न हमारे बस में है, वो परमात्मा की कृपा होती है कि हम पृथ्वी पे अपना ये जन्म लेकर के आ रहे हैं। और ऐसे में हमारे सभी पूर्वजों ने जो विगत 500 वर्ष से ज्यादा समय हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कई कई प्रकार के कष्ट सहन करते हुए कई कई प्रकार की बलिदान दे करके आज ये मौका हमारे बीच में आया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं आज यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम के गर्भगृह के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सब सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर भाजपा के शुभंकर अध्यक्ष मेरे अभिन्न मित्र माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे सबके मार्गदर्शक और सबको लेके चलने की भावना लेने वाले माननीय हितानंद जी भाई साहब, इस अवसर कैबिनेट मंत्री मेरे साथी विश्वास सारंग जी।